हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदीप एक्सपेरिमेंट की एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। तो गाइस, आज से मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि है महिंद्रा थार 4x4। इसे मैं दोस्तों 4x4 बनाने वाला हूँ, यानी कि इसके चारों के चारों पहिए ही काम करेंगे। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काफी सारे प्रिंट आउट निकाल के रखे है। तो बेसिकली मैं इसे जिस साइज का बनाऊंगा उसी साइज का मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट निकाला है, और मैं इसके हर एक पार्ट का प्रिंट आउट निकाल के आ चुका हूँ, जैसे कि व्हील्स, चेसी और बॉडी। तो बेसिकली मैं इसको इसी साइज में बनाने वाला हूँ, और ये जो है 1:16 स्केल का बनेगा। तो आज की वाली वीडियो में बेसिकली मैं इसका चेसी बनाने वाला हूँ, तो प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चलते रहेगा अपने टॉपिक पर। तो जैसी बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैंने इस वाले कार्डबोर्ड को ले लिया है। ये जो 0.6 mm का कार्डबोर्ड है जो कि सुपर ग्लू को काफी अच्छी तरह से सोखता है और बहुत ही हार्ड हो जाता है सूखने के बाद। और मैं अपने चेसी को इसी से बनाता हूँ, और यकीन माने दोस्तों काफी मजबूत चेसी बनती है, लगभग 2-3 किलो का वेट तो आसानी से उठा सकती है। अगर आप भी इस वाले पेपर को परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये जो चेसी का प्रिंट आउट है इसको दोस्तों मैं यहाँ पे चिपका के इसको मैं काट लूंगा। मैं इसे फेविकोल और पानी के मिक्सचर से चिपका रहा हूँ, जिससे कि ये इवनली चिपक जाएगा। डायरेक्ट फेविकोल लगाने से क्या होता है कि बीच बीच में जगह छूट जाती है, जिससे कि वो बाद में निकल जाता है। इसलिए मैं फेविकोल और पानी को मिक्स करके यहाँ से चिपका रहा हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद मैं इसे काट लूंगा, और इस चेसी का आप डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस मैंने इसे काट लिया है। अभी दोस्तों हमें ना इसका 8 पीस लेना है, टोटल 16 पीस था, तो हमें 8-8 पीस करके 2 पेयर्स बनाने हैं। तो फिलहाल मैं इसे फेविकोल से चिपका रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे सुपर ग्लू डाल दूंगा। तो इसकी मोटाई लगभग 5 mm के आसपास हो जाएगी, तो फटाफट से मैं इसे चिपका लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इसे चिपका लिया है, और काफी ये मतलब मजबूत हो चुका है अभी फिलहाल, और ये काफी मस्त हो चुका है अभी। तो गाइस अभी ना अभी इसका जो कॉर्नर है इसको मैं थोड़ा राउंड कर दूंगा, मैं एक नाइफ से इसको थोड़ा काट के राउंड कर दूंगा, जिससे कि थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो गाइस फाइनली मैंने इसे राउंड कर दिया है। अब दोस्तों इसको ना हमें चेसी की तरह शेप देना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कार और जीप के चेसी होती है वो आगे से थोड़ी छोटी होती है और पीछे से थोड़ी चौड़ी होती है, तो फिलहाल उसी तरह मैं इसको शेप देने वाला हूँ, और उसका भी मैंने प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल के रखा है। तो इसी के हिसाब से मैं इसको शेप दूंगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें इसमें 2 कटआउट करने पड़ेंगे, तो दोनों जो कटआउट होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जिससे कि हम इसे कुछ इस तरह से मोड़ेंगे। तो इसे मैं फिलहाल चाकू से काट लेता हूँ, और देखिए दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा सुपर ग्लू डाल दूंगा, जिससे कि ये फिलहाल चिपक जाएगा, और उसको बाद में मैं अच्छे से सुपर ग्लू डाल दूंगा। तो दोनों ही तरफ हमें ऐसे ही करना है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये शेप लेना स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों इसको ना और मजबूत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 1 mm के एल्युमिनियम वायर के पीसेस कट किए, जिसको कि मैंने इस तरह से यू शेप में कट किया है, जिसको कि इसके अंदर मैं डालूंगा, जिससे कि ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो इसमें फटाफट से होल करके इनको चिपका लेता हूँ। अभी इसमें सुपर ग्लू लगा के इसको यहाँ पे सूखने के लिए रख देते हैं, और मैंने ऐसा दूसरा पीस भी बना लिया है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 और पीसेस बनाए, जिससे कि ये दोनों पार्ट एक साथ ज्वाइन होंगे। ये जो छोटा वाला आप लोग देख रहे हो, इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 40 mm है, और इसकी जो मोटाई है वो दोस्तों 5 mm है, और इसकी जो चौड़ाई है वो दोस्तों 8 mm है, और इस बड़े वाले का लंबाई दोस्तों 60 mm है, और बाकी दोनों सेम है। तो इसको बेसिकली हमें यहाँ पे लगाना है, एक आगे की तरफ रहेगा और एक पीछे की तरफ रहेगा। तो इसको मैं फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा सुपर ग्लू डाल दूंगा, बाद में मैं इसे अच्छे से सुपर ग्लू से चिपका दूंगा। उससे पहले दोस्तों हमें इसमें होल करना है, क्योंकि अभी भी ये चेसी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ फेविकोल ही डाला है। तो इसको पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए मैं इसमें छोटे छोटे होल करके उसमें मैं अगरबत्ती की स्टिक से उनको डाल दूंगा, जिससे कि दोस्तों ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा, और मैं अपने सारे चेसीज को इसी तरह मजबूत करता हूँ। अगर आपने मेरी ट्रक वाली वीडियो देखी हुई तो आप लोगों को पता होगा कि उस ट्रक को मैंने इसी तरह से बनाया था, और उस चेसी में दोस्तों मैंने 2-3 किलो का वेट डाला था, अभी तक वो चेसी वैसी की वैसी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। और ये तो दोस्तों जीप होने वाला है, इसमें इतना वेट ऐसे भी नहीं आएगा, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मैंने इसमें बहुत सारे होल करके इसमें मैंने अगरबत्ती के स्टिक्स को डाल दिया है, जिससे कि ये बहुत ही मजबूत हो चुका है, अभी ये मुरेगा नहीं। अभी दोस्तों हमें ना बहुत सारा सुपर ग्लू चाहिए होगा, जिसको कि हम यहाँ पे डालेंगे। तो आप लोग अभी देखना किस तरह से ये जो पेपर है सुपर ग्लू को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप लोग अभी देख सकते हो मैं कितने सारे सुपर ग्लू डाल रहा हूँ, और ये जो पेपर है आसानी से सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत अंदर तक सुपर ग्लू चला जाएगा, जैसे कि ये जो पेपर है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो मैं पूरे चेसी को सुपर ग्लू से भर दूंगा। और दोस्तों इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि ये बहुत गर्म हो जाएगा इस दौरान, तो आपको इसमें हाथ वगैरह नहीं लगाना है, और अपने आंखों में कोई चश्मा वगैरह पहन लेना, वरना इसका जो धुआं है आपके आंखों में लग सकता है, और आपकी आंखों में काफी जलन हो सकती है, क्योंकि इसमें दोस्तों काफी सारे गैसेस निकलेंगे, क्योंकि ये सुपर ग्लू जब इस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा तो काफी सारे गैसेस निकलेंगे, तो ये थोड़ा हीट हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा संभल के काम करना है, और अगर आप छोटे हो तो आप किसी बड़े की मदद ले सकते हो। तो फिलहाल मैं बहुत अच्छी तरह से इसमें सुपर ग्लू डाल देता हूँ। तो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। ये दोस्तों ये बहुत ही हार्ड हो चुका है, बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुका है। लोहे जितना मजबूत तो नहीं होगा, लेकिन आप मान सकते हो कि एक प्लास्टिक जितना मजबूत हो चुका है। अभी हमें दोस्तों एक रेती लेनी है और इसको अच्छे से घिस देना है। तो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, और काफी मस्त लग रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल एक थार के चेसी की तरह शेप देना स्टार्ट हो चुका है, और जब मैं इसमें व्हील और बॉडी बनाऊंगा तब तक ये और भी मस्त लगेगा। तो फिलहाल चेसी ही हमारा मेन पार्ट होता है, जिसमें कि पूरे मतलब व्हीकल का लोड आता है, पूरा व्हीकल उसमें अटैच रहता है, तो इसलिए हमें चेसी को काफी मजबूत बनाना पड़ता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।